इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट थी हैंडबैग लेके आओ स्टाइलिश वाले ट्रेंडी वाले फ्रॉम मीशो, तो भाई साहब मैं ले आई हूँ बहुत सारे हैंडबैग्स, तो पूरी वीडियो जरूर देखना। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चोईती गीमा आशी। आज बहुत पिंकी पिंकी बन के बैठी हूँ। पता है आपको ये 3 से 4 साल पुराना मुझे मिला है पता नहीं कहाँ से, तो मैंने सोचा आज यही पहन के बैठ जाती हूँ और बहुत आलस में शूट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी एनर्जी वाला वाइब दूंगी आपको कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ लेकिन बहुत आलस आ रहा है। सेकंड थिंग, कुछ खाया नहीं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही, फिर मुझे जिम भी जाना और ये वीडियो शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतने सारे हैंडबैग्स मैंने मंगाए और इतने टाइम से आके रखे हुए, मुझे था मैं कब शूट करूँगी। गाइज मैंने 10-12 हैंडबैग मंगाए हैं और कुछ तो मैं सच बताऊं ट्यूब्स भी मिल जाएंगे आपको, अब बड़े बड़े ब्रांड्स के ना सस्ते ट्यूब भी मिल जाएंगे और काफ़ी ट्रेंडी हैं, जैसे कुछ H&M में मिलते हैं या फिर जो आपको इंस्टा पे ट्रेंड में दिख रहे होंगे वो सारे के सारे मीशो पे अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा ट्राई तो करना बनता है कि क्या क्वालिटी रहती है, क्या डिज़ाइन रहता है, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, और बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी हैंडबैग, तो मैंने कहा भाई साहब चलो फाइनली हैंडबैग का हॉल मैं कर ही लेती हूँ। तो मैं अभी प्राइस रेंज की बात करूँ, जो हमारा मिनिमम होगा वो 130 और जो मैक्सिमम होगा वो होगा 150। ओ क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, जो हमारा मिनिमम होगा वो होगा 130 और जो मैक्सिमम होगा वो होगा 530। 530 रुपये से ज़्यादा महंगा कोई बैग ही नहीं है। और जो 530 रुपये का भी जो बैग है ना वो भी ना कुछ ड्यूप होगा किसी अच्छे लग्जरी ब्रांड का, इस वजह से वो इतना महंगा है, इतना महंगा 530 रुपये का। ठीक है, बाकी देखते हैं रैंडमली जो जो बैग मेरे हाथ में आएगा मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ और देखते हैं कैसा रहता है, अच्छा या बुरा या बहुत ही बकवास। तो चलो देखते हैं पहला हैंडबैग। पहला बैग रैंडमली जो मेरे हाथ में आया है वो है डबल बैग क्रॉस ब्लैक। अब देखते हैं ये क्या है। ये लगता है वही वाला ट्रेंडी बैग सबसे पहले ही मेरे हाथ में आ गया है। और मैं तो कितनी गंदी तरीके से अनबॉक्सिंग करती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखा है ऐसे लाएंगे ऐसे ऐसे अपने नेल्स आर्ट के साथ यूँ करेंगे यूँ काटेंगे यूँ निकालेंगे, जैसे तो सच में गुची का बैग निकाल रहा हूँ। इतने तो गुची के बैग वाले भी अनबॉक्सिंग ऐसे नहीं करते होंगे। लेकिन यार इसकी क्वालिटी सॉफ्ट लेदर में कितनी मस्त लग रही है। गाइस ये हमारा बैग आप पिक्चर में देख सकते हो, ये 348 रुपीस का ये वाला डबल क्रॉस बैग है। इसके अंदर आपको स्ट्रैप और वो कॉइन वाला छोटा पर्स भी आपको मिलेगा और इसकी रेटिंग वेटिंग भी काफ़ी सही थी। 13 लोगों ने 3.5 रेटिंग दी हुई थी और ये ट्रस्टेड पेज से मैंने मंगाया। अब आप पास से देखो इसका क्वालिटी, ये सॉफ्ट है और कितना घुशू घुशू सॉफ्ट वाला बिल्कुल है। यहाँ पे ये लूप मिलेंगे, जिप मिलेगी सिंगल, और आप देख सकते हो इसमें ना ज़्यादा अभी अखबार वगैरह भर के नहीं दिया है, वरना तो वो सब भर के आता है ना। जिप की क्वालिटी स्मूथ। अब मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, अंदर आप देख सकते हो अंदर से कैसा है। और आपको यहाँ पे एक चेन मिल जाएगी जिससे आप इजीली बंद कर सकते हो। इसके जो आपको स्ट्रैप्स मिल रहे हैं वो आप देख सकते हो, स्ट्रैप्स आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉइन वाला छोटा सा एक पर्स भी है जिसकी ये गोल्डन चेन है और इसमें इन्होंने पन्नी भरी हुई, आप देख सकते हो ये अच्छी खासी बड़ी है और ये बहुत स्टाइलिश लगेगा पहनने के बाद। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है, मैं आपको पूरा लगा के दिखाती हूँ कि लगेगा कैसे। मैं आपको दिखाऊँ पहन के भी कि अगर मैंने इसको कैरी किया हुआ है तो ये कैसे लगेगा। ये कुछ ऐसा लगेगा कैरी किया हुआ बैग। अभी क्या है बैग में ना सामान नहीं पूरा भरा हुआ, ये पिचका हुआ सा आया, तो ये ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हो साइड में आपने रख रखा है, बैग की शेप कितनी अच्छी है, ब्लैक कलर तो सब पे जाएगा ही, ऊपर से कॉइन पर्स फ्रंट में लटका हुआ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 350 रुपये में बिल्कुल आपको स्टाइलिश हैंड बैग मिल रहा है और जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिप है प्लस पॉइंट कुछ गिरेगा नहीं। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, टोटली वर्थ इट है। जिन भी लड़कियों को ऐसा वाला एक बैग चाहिए जिसमें अलग से कॉइन वाला पर्स हो तो आप ये ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, तो उसमें आपको ट्रस्टेड सेलर से ही मिलेगा, जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आपको वही रिसीव होगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, इसके लिए थम्स अप। मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है काफ़ी हल्का सा एक पैकेट है, इसको मैंने खोल के नहीं देखा है, देखते हैं क्या आया है। ओहो मुझे लगता है सारे ट्रेंडी बैग स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे क्या। ये इस हॉल का सबसे सस्ता बैग जो मात्र 130 रुपए का मैंने आपको बताया था, और ये लग कैसा रहा है अभी पन्नी खोल के आपको बता पाऊंगी। गाइस मैं पहले इसमें से
ये लॉट्स ऑफ किलो भर पन्नियाँ निकालूँ। अब मैं आपको बैग दिखाती हूँ। गाइज आप पहले बैग देखो, 130 रुपए के हिसाब से इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। फ्रंट बैक ये है इस बैग का, जिप लगी हुई है, स्ट्रैप है जो एडजस्टेबल नहीं है। अंदर मैं आपको स्पेस दिखा दूँ तो स्पेस आप देख सकते हो कितना ज़्यादा। अच्छे से फ़ोन और इम्पोर्टेंट सामान आपका ईजीली इसमें आ जाएगा। 130 रुपए का बजट वाला पर्स, मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे अच्छी क्वालिटी या कुछ चीज़ आपको मिल पाएगी। जिप भी पूरी लगी हुई है, ये पूरा ऐसे अंदर चली जाएगी। अगर आपको ये वियर्ड लग रही है, देखो अब आप देखो ये कितनी ज़्यादा सही ये बैग मुझे लग रहा है। यहाँ से 130 रुपए में और क्या ही मिलेगा यार, मतलब मुझे तो ठीक लग रहा है। आप देखो ऐसे साइड में पहना हुआ, ड्रेस की मैचिंग व्हाइट एंड ब्लैक कितना ज़्यादा सही है। मतलब आप ले सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड फ्रेंड का बर्थडे है, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो और आपका यही बजट है कि यार 100-200 रुपए के अंदर कोई गिफ्ट आ जाए, तो ये 130 रुपए का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मुझे पसंद आया प्राइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो गाइज हमारा नेक्स्ट बैग देखते हैं क्या है। खुशी से हो रही है मुझे आज बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैंने पैक ऑफ टू वाला बैग आया है। गाइज मैं आपको बताती हूँ, मात्र 255 रुपए में आपको ये पैक ऑफ टू वाला बैग देखने को मिलेगा। ब्लैक एंड गोल्ड कोडिंग स्लिंग बैग। इसमें ऑप्शंस भी थे कि आप व्हाइट एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन, ब्लैक एंड ब्राउन ले सकते हो, तो मैंने ब्लैक एंड ब्राउन वाला कॉम्बो लिया है 250 रुपए के हिसाब से। देखते हैं कि ये बैग कैसे आए हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं, इसमें अंदर आप एक बार आप यहाँ से स्पेस देखो, इसमें आप समझ पाओगे कि इसमें कितना स्पेस है। ये है बैग का फ्रंट, ठीक है, ऐसे लाइंस एंड कुशन, यहाँ पे इतना पीछे से बिल्कुल प्लेन। यहाँ पे आपको एक टेसल टाइप का कीरिंग मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी गोल्डन चेन, फिर जो स्ट्रैप्स हैं वो आपको मिलेंगे एडजस्टेबल इसके स्ट्रैप्स। क्वालिटी आप देख सकते हो बिल्कुल पास से, मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ क्या है क्या नहीं। अंदर से आप स्पेस देख सकते हो, अंदर से इसमें कितना स्पेस है। अंदर कोई जिप नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वैसे भी मैं आपको दिखाऊँ ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत बड़ा चौड़ा है। ये सेम ये जो ब्लैक है सेम इसी के जैसा ब्राउन है, और जो ब्राउन है ना ये थोड़ा रेडिश काइंड ऑफ ऑरेंज टाइप का रस्ट बोल सकती हूँ, वैसा सही वाला ब्राउन शेड आपको मिलेगा। आप देख सकते हो ये ब्राउन, इसके अंदर भी वही सेम एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं, बैक से बिल्कुल प्लेन है, टेसल वाला कीरिंग है। 250 रुपये में आपको दो बैग मिल रहे हैं। आप किसी को गिफ्ट भी दोगे ना, पैक ऑफ टू सही लगेगा। रेट के अकॉर्डिंग जो दिखाया है वही आया है। आई नो अब आप सोचो कि 250 रुपये में आपको प्रीमियम क्वालिटी मिल जाए, तो गाइस वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन 250 रुपये के हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है तो वो टोटली वर्थ इट है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। उसके प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ बुराई नहीं है। काफ़ी जगह तो यही टंगा होगा ऐसे 250 रुपये में, और लोग जाके सिंगल बैग भी ले लेंगे 250 रुपये में, उस हिसाब से आपको दो मिल रहे हैं। मुझे तो ये डील काफ़ी सही लग रही है इस रेट के अकॉर्डिंग, तो मैं तो देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये वाला जो मैं बैग दिखाने वाली हूँ ना, ये पूरे इंस्टाग्राम पे धूम मचा रहा है और मुझे ये मिल गया है, और ये डियोर, अपना डियोर का कॉपी है, और ये मात्र 360 रुपए का। पिक्चर में आप देखो ये डी शेप वाला बैग कितना ज़्यादा इन है भाई। पिक्चर में इतना प्रीमियम लग रहा था ना, इसके रेट थे, रेट देखो। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार मंगा के देख ही लेती हूँ कैसा रहा है, तो मैंने इसको मंगाया है। भाई साहब शेप देखो जरा, भाई परफेक्ट डियोर क्या 10वां कॉपी लग रहा है। इसकी शेप देखो आप एक बार, इतना सॉफ्ट प्योर लेदर इसका, ठीक है, स्टाइल देखो यहाँ से पूरा, और ऐसे दो बटन हैं, ये खुला, इसके स्ट्रैप, ये हैंड वाला स्ट्रैप है, ठीक है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे पकड़ा हुआ देखो कितना सुंदर लग रहा है, चीप कहीं से भी नहीं लग रहा है, ट्रस्ट मी। इसकी स्टिचिंग से भी नहीं पता चल रहा है, बैक से भी आप देख सकते हो, फ्रंट भी आप देखो, मुझे काफ़ी सही लग रहा है, सच बोल रही हूँ, चीप नहीं लग रहा है। अंदर मैं दिखाती हूँ, अंदर आपको सिंगल जिप मिल रही है। इसको हम अगर ओपन कर रहे हैं, नटखट के पैकेट निकालते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और जिप मिल रही है फॉर कॉइन एंड छोटा मोटा स्टफ। जिप की क्वालिटी ओके, स्मूथ बंद हो रही है। अंदर आप पर्स में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसमें स्पेस है। फ्रंट भी आप जिप, फ्रंट की जिप मैं आपको दिखाऊं,
देख सकते हो फ्रंट के जिप, ये हमने किया इसको बंद। यार ये कितना सही लग रहा है यार, ऐसे लगा हुआ पहना हुआ, मतलब 350 रुपये में कुछ भी बुरा ही नहीं। जिस हिसाब से आपको ये बैग मिल रहा है ना, ये बहुत क्यूट लग रहा है। और इसके साथ आपको ये स्ट्रैप्स जो मिल रहे हैं, ये भी पूरे एडजस्टेबल है, वही यहाँ पे भी गोल्डन लॉक है। ये लगा के आप इसको जितना ढीला लंबा करना चाहो उतना आप एडजस्ट कर सकते हो। ये भी देख सकते हो आप इसकी क्वालिटी कि यहाँ पे कैसे इसके हुक है, क्या कितना लेदर लगा हुआ है, क्या क्वालिटी है, ये आपके सामने है भाई। ये तो मस्त डील है, मैं कहना चाहूँगी इसको तो प्लीज़ मत छोड़ना, ये काफ़ी सही लग रहा है 360 रुपये के हिसाब से। थम्स अप। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ क्या मेरे हाथ में आया है, इस हॉल का सबसे महंगा हैंडबैग, और ऐसी ऐसी ब्रांड का नहीं है, फैंडी ब्रांड का गाइस। पिक्चर में देखो भाई साहब, 530 रुपये का था, 3 कलर के ऑप्शन थे, मैंने ब्राउन कलर का मंगाया है और ये मुझे रिसीव हुआ है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ फैंडी। अबे ये क्या है, मेरा बैग यहाँ से पैकेट फट गया था क्या? हाँ ये देखो, मेरा लगता है पार्सल ही फट गया होगा और इसकी पन्नी भी फट गई थी। यहाँ से पूरा फटा हुआ घिसा हुआ रिसीव हुआ है मेरे को। मैं तो फैंडी सोच के इतना खुश हो रही थी, ये मेरा पैकेट ना सी, ये मेरा पैकेट यहाँ से कैसे साइड से फटा हुआ था। देखो मैंने तो यहाँ से फाड़ा है, लेकिन ये देखो कैसे उधड़ा हुआ फटा हुआ है यहाँ से। यहाँ से ये मेरा बैग का ये कॉर्नर पूरा ऐसे रखा था ना, ये पूरा घिस गया, मिट्टी से खराब हो गया पूरा। छी यार, धोखा हो गया मेरे साथ तो। बाकी आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा हैंडबैग है, इसका साइज़ कितना बड़ा है। इसमें आपको पीछे भी जिप मिल जाएगी, ठीक है। पीछे जिप काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, आप देख सकते हो पीछे कितनी गहरी या क्या जिप है। जिसके स्ट्रैप्स हैं ये बिल्कुल सिंपल हैं, यहाँ से बकल वाला सिस्टम है, आप थोड़ा सा छोटा बड़ा स्ट्रैप्स को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से तो मेरा बैग फटा चीथड़ा हो ही गया, इसको आप इग्नोर करते हैं, मैं इसलिए समझा रही हूँ। थोड़ी डिटेल्स अगर आपको पसंद है, आपको मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो। ये तो मेरे साथ हो गया गाइस। अगर इस बैग की प्लस पॉइंट की बात करूँ तो आपको इसके अंदर ना एक कंपार्टमेंट वाला चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो आप इधर भी सामान रख सकते हो, इधर भी सामान रख सकते हो। यहाँ पे आपको देखो ऊपर एक जिप भी मिल रही है, ठीक है। और फिर ये सेंटर में भी जो कंपार्टमेंट है उसमें भी जिप है, तो ये काफ़ी सही है कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा पाउचेज हैं तो आप सामान रख सकते हो। इस साइड भी आपको बिना जिप का एक पाउच टाइप का सामान रखने के लिए मिला है कि आप यहाँ रख सकते हो। फिर उसके बाद ये वाला कंपार्टमेंट है, फिर ये जिप आएगी, फिर इधर है, और फिर यहाँ पे भी जिप है। मतलब इसके अंदर इतना स्पेस है, आप इतना कुछ इसमें रख सकते हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और बैग है 530 रुपये का, तो उसके अंदर उतना सामान रखने का भी स्पेस है, आप देख सकते हो कितना स्पेस है। बाकी क्वालिटी आप पूरा पास से देख सकते हो क्या आएगी। वो तो मेरे साथ मेरा बैड लक था कि मुझे फटा हुआ मिला, लेकिन 530 रुपये के हिसाब से ये बैग ठीक लग रहा था। फटा हुआ आया इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, वरना बैग काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, देखते हैं अब नेक्स्ट बैग क्या रिसीव हुआ है। इसका पैकेट तो देखो बिल्कुल ठीक है, आई होप ठीक ही आए। ओ इसमें थोड़ा बड़ा हैंड बैग है, और ये ब्लैक एंड वाइट कलर का मैंने मंगाया है। पिक्चर में आप देख सकते हो ये 315 रुपये का हैंड बैग है। इसमें ना कलर ऑप्शन काफ़ी सारे थे, पिंक एंड ग्रे, ब्राउन एंड वाइट, वाइट एंड येलो। मैंने ब्लैक एंड वाइट मंगाया ये सोच के कि ये काफ़ी सही है, काफ़ी सब चीज़ों पे चला जाएगा। अब देखते हैं क्या रिसीव हुआ है। यार वाइट कलर काफ़ी गंदा सा लग रहा है मेरे को, और ब्लैक कलर उतना जेट ब्लैक नहीं लग रहा है। ठीक ठाक ही लग रही है, इसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप देखो, पता नहीं कैमरा वो चीज़ दिखा पा रहा है या नहीं, कि कैसा सा लग रहा है बैग। आप पूरा पास से देख सकते हो कि बैग है कैसा। पीछे आपको जिप मिल रही है, साइड में शायद अंदर कुछ होगा शोल्डर के लिए स्ट्रैप्स। वैसे तो ये इसका लुक है। और यहाँ पे ना इसमें दो चेन हैं, पहली चेन खोल के देखते हैं। पहली चेन खोल के देखो, अंदर का फैब्रिक जो है वो ये है, ठीक है फैब्रिक तो। और अंदर एक कॉइन पॉकेट भी है छोटी सी, तो ये है, ये है। और दूसरा जो है उसको खोल के देखते हैं, उसके अंदर हमें मिली है लॉन्ग वाली स्ट्रैप्स। और ये सिंपल है, इसमें कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, फिर भी ठीक है क्योंकि पीछे भी जिप है, अंदर भी डबल जिप है, स्पेस भी काफ़ी है इसमें। आप नीचे से भी देख सकते हो, इसमें ना नीचे भी ऐसे चार वो लगे हैं कि आप अपना बैग ऐसे खड़ा कर लो। और ये जो है आप ये अटैच कर लोगे तो बैग पूरा आप शोल्डर से
पूरा लंबा भी पहन सकते हो उसको अटैच करने के बाद पूरा शोल्डर से, 315 रुपये के हिसाब से ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अलग कलर कॉम्बिनेशन पे जाओ, क्योंकि ये ब्लैक कलर ना मुझे उतना ज़्यादा जेट ब्लैक नहीं लग रहा है, और थोड़ा ये वाइट गंदा हो रहा है, वो तो है कपड़े से साफ होके हो जाएगा, लेकिन 315 में ओके लग रहा है मुझे। नेक्स्ट दिखाती हूँ, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैग ये क्या होने वाला है। वो इसकी शेप भी बहुत अच्छी थी गाइस, जब मैंने पिक्चर में देखा था, ये मुझे पड़ा था 330 रुपये का। पिक्चर में देख सकते हो इसमें 5-6 कलर के ऑप्शन थे, दिस पर्पल, लाइलैक कलर, ब्लैक, वाइट, ग्रे एंड ग्रीन, मैंने ये शेड मंगाया। मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन देखो ज़रा ये कितना अच्छा खासा बड़ा आया है। आप इसकी पूरी ऐसे ये ओवल शेप देखो, ये कितनी सही लग रही है। इसके स्ट्रैप्स भी ना यहाँ से पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, देखो मैं आपको पूरा पॉली से निकाल के दिखाती हूँ। सी गाइज, एक बार आप इसकी क्वालिटी देखो, ये बहुत स्मूथ, शाइनी, ठीक है, और कितना चौड़ाई है इसकी, क्या इसकी शेप है। यहाँ पे आप, मैं गई थी कि थोड़े से स्ट्रैप्स थोड़े से एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बकल लगा हुआ है, और जो इसकी ज़िप है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत प्यार से इसकी ज़िप खुल गई। अंदर की मैं बात करूँ तो ये डी शेप का पर्स अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें स्पेस है, और आपको यहाँ पर एक कॉइन के लिए भी ज़िप मिल जा रही है, ठीक है, जो होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं दिखाऊँ कि ईज़िली आपका फ़ोन कितना छोटा है, इतना सी जगह में मेरा फ़ोन आ गया, उसके बाद भी आप अंदर स्पेस देखो कितना ज़्यादा स्पेस है। मतलब 315 रुपये के हिसाब से जो आपको क्वालिटी मिल रही है ना, 330 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे शोल्डर में लिया हुआ भी काफ़ी क्यूट लगेगा, ठीक है, काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा। कलर भी बहुत अच्छा है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक ब्लैक हो, एक वाइट हो, एक अलग कलर हो, तो आप अलग अलग शेप के ऐसे हैंडबैग ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं का हॉल बना के आपको एक एक बैग अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, तो आपको लेने में, ये बैग खरीदने में इजी हो जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए मैं देती हूँ उसको थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट बैग देखते हैं वो कौन सा रिसीव हुआ है मुझे। ये बहुत ही प्यारा सा बैग है, आप देखो ये 393 रुपीज़ का बैग है, छोटा है, लेकिन इसमें 4 कलर के ऑप्शन थे, दिस ब्लू, पिंक एंड ब्लैक, ये 3 कलर के ऑप्शन थे, मैंने ब्लू मंगाया। आप देखते हैं कैसा आया, इसमें ना कुछ टेक्सचर टाइप का था। हाँ, इसका फैब्रिक ही वो ये कितना अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि लेदर फैब्रिक पे ये टेक्सचर होगा, लेकिन ये प्यारा सा ये जूट क्लोथ टाइप का फैब्रिक है, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसका कलर देखो कितना प्यारा ब्लू कलर है, जीन्स वगैरह पे कितना अच्छा जाएगा। दोनों साइड यहाँ पे गोल्डन हुप और ये जिप का कलर भी गोल्डन मिलेगा। अब मैं आपको अंदर दिखाऊँ, अंदर इसमें एक ये वाली आपको ऐसी प्लास्टिक टाइप की चेन मिल रही है, ठीक है, जिसको आपको ऐसे यहाँ पे अटैच करना है। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, इसका बेबी पिंक कलर कितना ज़्यादा सुंदर होगा, ब्लैक भी बहुत सुंदर होगा। ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आप बोल सकते हो ये 400 रुपये का बैग है, आई नो काफ़ी टिड्डू सा बैग है, छोटा सा बैग है, और इसके अंदर का जो पूरा क्लोथ है वो है ये, इसमें अंदर और भी कोई जिप नहीं है, ये क्लोथ लगा हुआ है, इसको पूरा आप अंदर कर दो, ठीक है, स्पेस दिखा दूँ मैं आपको कितना इसमें स्पेस आएगा, कितना आप सामान रख सकोगे, बस इतना फ़ोन आपके आराम से आ जाएंगे। अंदर से आप देखो कितना स्पेशियस है, कैसा ये बैग है। बाकी मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ कि लग कैसा रहा है। मुझे ये बैग बहुत क्यूट लग रहा है, सी गाइस देखो ये कितना सुंदर, कितना क्यूट ये बैग लग रहा है। आई नो 400 रुपये के हिसाब से काफ़ी लोगों को ये महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, बहुत प्यारा सा ये बैग है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका टेक्सचर, इसका फैब्रिक, इसका स्टाइल, इसका लुक बहुत ही क्यूट है, पिंक बहुत क्यूट लगे, मुझे ब्लू पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा हैंड बैग, जब बहुत ज़्यादा सामान ना ले जाना हो, छोटा सा ऐसे हैंड बैग कैरी कर लो, बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली, इसके लिए तो थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट बैग ये शायद जो मैं सोच रही हूँ ब्लैक कलर का वही होगा, मैंने खोला नहीं है, इसके वेट से लग रहा है, ओ भयंकर, मैंने कहा था ये ब्लैक कलर का बैग होगा। गाइज आप पिक्चर में देखो, ये 295 रुपीज़ का ब्लैक कलर का बैग है, इसमें दो टेक्सचर्ड वाला था, एक ये डायमंड टेक्सचर्ड है और एक ये लाइनो वाला, मैंने डायमंड टेक्सचर मंगाया है। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी थे, मैंने ब्लैक ही मंगाया है, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा सा डायमंड टेक्सचर्ड का ये बैग है, ठीक है,
हार्ड केस पूरा इसको बोल सकते हो आप, और यहाँ पे पूरा जिप है जो पूरा ऐसे ओपन होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ लगी हुई, कुछ आपका सामान गिरेगा नहीं इसके अंदर। ये स्ट्रैप है और आप देख सकते हो ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको एक नेट टाइप की चीज़ मिल जा रही है, जिप तो नहीं है, नेट है कि कुछ पैसे या कुछ चीज़ रखना हो आप यहाँ रख सकते हो। और ये एक तरफ नहीं है, ये दोनों तरफ है, इधर भी मिलेगा और आपको ये चीज़ इधर भी मिल रही है दोनों साइड, कि आप इसमें कुछ सामान रख सकते हो। आपका फ़ोन भी इसमें आराम से आ जाएगा, सी फ़ोन भी इसमें बहुत आराम से आ जाएगा, दो फ़ोन आ जाएंगे बल्कि, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, देखो कितना आराम से इसमें मेरा पूरा फ़ोन आ गया है। अब इसको बंद करती हूँ और इसमें ये लगाते हैं और देखते हैं लग कैसा रहा है। अच्छा गाइज, इन मैं सोचूँ नीचे एक क्यों दिया हुआ है, ये एक यहाँ लगेगा, ठीक है, साइड में। अगर आपको खाली ऐसे पकड़ना है, खाली ऐसे पकड़ना है, तो ये यहाँ पे साइड में लग जाएगा, ठीक है। और ये दोनों तरफ जो ऊपर इधर दिए हुए हैं, इसमें ये वाला लगेगा, देखो ये कुछ ऐसा सा लगेगा, वाइट एंड ब्लैक फॉर एवर यंग इसमें प्रिंट हुआ हुआ है, एडजस्टेबल स्ट्रैप है। और ये इसकी क्वालिटी और काफ़ी हार्ड है, ये आपको मिलेगा 300 रुपये के हिसाब से। मुझे तो ठीक लग रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, लूज़ बैगी पैंट के ऊपर आपने इसको ऐसे साइड में लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, शाइनी सा, और काफ़ी सारे कलर्स हैं, वो आप देख लेना क्वालिटी वाइज ओके, मुझे पसंद आया जिस रीज़न से देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ, नेक्स्ट जो बैग है ना, ये वाइट कलर का बैग है, 341 रुपीज़ का। इस पर भी काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन थे, पीच, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, मैंने वाइट मंगाया और पिक्चर में ना देखो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसकी शेप से ही मुझे लग रहा है कि ये पूरा वही बैग आया है, ये हमारा सेकेंड लास्ट बैग है। उसके बाद जो लास्ट बैग है वो बहुत ही महंगा ब्रांड का है, देखो गाइस शायद धोखा हुआ है क्या। अब इसमें बोथ ही, बोथ इसमें है ही नहीं। ये 340 रुपये का बैग जो बहुत ही गंदी, ये रिबो, अच्छा ये यहाँ लगी हुई है ऐसे, आप देख सकते हो ये पीछे से कैसा है, फ्रंट से कैसा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, मतलब बहुत ही अजीब सा बैग लग रहा है। देखो ना आप पास से देखो, क्या ये ब्लैक 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 डॉट्स गिरे हुए हैं इसमें, यहाँ की स्टिचिंग देखो पूरी ख़राब हुई हुई है और क्लीन कहीं से भी नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा फैब्रिक है। और ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, जो ये प्रिंट हुई हुई है ये धागे वाला, और ये जो ये फर्जी सा बो गिरा हुआ है, इस बो के चक्कर में तो ये बैग मुझे अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ही जो दिखाया उसका लिटरली 10वां कॉपी वर्जन आया है। दो जिप है इसमें, ऊपर एक पीछे जिप है इसमें, अंदर आपको ये वाला स्ट्रैप भी मिल रहा है, बस दो जिप है, अंदर कोई भी साइड पॉकेट वाला चीज़ नहीं है, सिंपल दो जिप और कुछ भी नहीं है। मुझे बैग अच्छा नहीं लगा, चलो नेक्स्ट दिखाते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते, बहुत बेकार है। लास्ट हमारा बैग है क्रिस्टन डियोर, समझ रहे हो कितना महंगा बैग मैंने मीशो से मंगवाया है। पिक्चर में देखो, इसमें ग्रीन, ब्लैक, लाइलैक एंड ऑफ वाइट कलर था, मैंने मंगवाया ग्रीन कलर, मुझे था कि थोड़ा हटके है। और ये 521 रुपये का बैग है गाइस, है ना सबसे महंगा। इस पर MRP लिखी हुई है 2500 रुपये, पैकिंग का ईयर है 2023। मैंने जो ग्रीन कलर मंगवाया था मुझे मिला है दिस ग्रीन, इस ग्रीन को मैं क्या बोलूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे आपको एक CD का लोगो मिल जाएगा, पीतल टाइप का, जिसमें अभी काफ़ी सारे स्क्रैचेस लगे हुए दिख रहे हैं मुझे, कोई पन्नी वन्नी नहीं चिपकी हुई है। बाकी क्या ही मिलेगा आपको 530 रुपये के हिसाब से, ब्रांड के पैसे हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी फाइन है इसकी। आप ये वाला, ओ इसके साथ कितना अच्छा लग रहा है ये, देखो आपने 530 रुपये का CD का बैग पकड़ा हुआ है यार, बैग से भी आप देख सकते हो। बाकी जो थोड़े धागे धूगे से निकले हुए हैं, ये आपको थोड़े से फिनिशिंग करनी पड़ेगी इन धागों की, ये काटने पड़ेंगे जो धागे निकले हुए हैं। बाकी आप देख सकते हो बैग से कैसा है, मुड़ा थोड़ा भी आया है क्योंकि पैक हो के आया है, इसको आपको थोड़े से चीज़ें भर के सही करना पड़ेगा। अब मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो ये कैसा है, देखो एक शोल्डर स्ट्रैप आपको इसके साथ मिलेगा और अंदर से बिल्कुल कोई भी जिप नहीं है, कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है, सिंपल सा ये बैग है, बस आप ऐसे बंद करो
शोल्डर स्ट्रैप लगाना है लगाओ, नहीं तो आप ऐसे इसको वियर कर सकते हो। ये वाले बैग शो के लिए ही है बिल्कुल, कि हाँ सीडी का बैग लिया हुआ है, फर्स्ट कॉपी ही लिया हुआ है, लेकिन हम फ्लॉन्ट तो बिल्कुल वैसे कर सकते हैं कि हाँ मैं लिया है कुछ ऐसा ब्रांड सा बैग। कलर बहुत सुंदर है गोल्डन के साथ, देखो ना कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। वैसे तो काफ़ी ठीक लग रहा है, कोई बुराई नहीं यार, इतने में इतना इंच मिलेगा, ठीक लगा मुझे ये बैग। सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे मीशो के ट्रेंडी लेटेस्ट हैंड बैग्स जो बहुत ज़्यादा इन हैं, स्टाइलिश है। कुछ बैग तो मुझे लिटरली बहुत पसंद आया, मेरा पर्सनल फेवरेट था वो डी शेप का बैग कलर का डियोर वाला बैग, गॉड वो इतना ज़्यादा अच्छा था, जिस प्राइस रेंज में वो मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो आप मुझे बताओ आपको सबसे अच्छा बैग कौन सा लगा, हाँ बुरे भी मिले ऐसा नहीं है, जिस रेट के अकॉर्डिंग आप बैग देख रहे हो मीशो पे, जो आपको लेटेस्ट ट्रेंडी कलेक्शन मिल रहा है उस हिसाब से वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, आई होप आपको जो आजकल लेटेस्ट हैंडबैग चल रहे होंगे उस कैटेगरी के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई होगी कि कैसा दिख रहा है, कैसा आएगा, ले या ना ले, क्या साइज़ है, कितने जिप है, क्या क्वालिटी है, पूरा मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया। मेरे रिव्यूज़ बिल्कुल जेन्युइन बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बेकार है वो बेकार है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट से ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बस मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, प्लीज़ भर भर के कमेंट ज़रूर करना। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। ओके गाइस, बाय बाय, आई लव यू।